सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DK टेक्निकल ज्ञा में। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि आपके द्वारा लगातार कमेंट पूछे जा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, बच्चों के जगह पर माता पिता का आधार डाल के वेरीफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा है, एरर का मैसेज देखने को मिल रहा है, तो कैसे हम लोग बच्चों का आधार वेरीफाई करें, ऐसे बहुत सारे मैसेज हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमने सोचा कि इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाए और आप तक सही जानकारी पहुंचा दी जाए कि बच्चों का आधार कार्ड कैसे वेरीफाई होगा, वेरीफाई होगा या नहीं होगा, पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी जो हमेशा से रहती है, अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसा कि देखिए, जो 13.7 का अपडेट आया था जिसमें कि बच्चों के जगह पे माता पिता का आधार वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया गया था, तो वहाँ से आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो बच्चों के माता पिता का आधार वेरीफाई कर रही हैं तो उनका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। और जैसे कि अब तक जो है 13.8 का अपडेट आ चुका है तो आप लोग 13.8 का अपडेट भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप समझते हैं जो 13.7 में अपडेट आया हुआ था कि बच्चों के जगह पर माता पिता का आधार कार्ड कैसे डालें। तो आप लोग को क्या करना है, देखिए अगर आप लोग बच्चों के कैटेगरी में बच्चों के माता या पिता का आधार नंबर डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आधार संख्या पूछ रहा है तो आप लोग प्रोफाइल अपडेट में जाके जिस भी बच्चे के माता या पिता का आधार नंबर आप लोग यहाँ पर डालते होंगे तो उनका आधार वेरीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अभी यहाँ पे जो अनुमति सिर्फ दी गई है पोषण ट्रैकर विभाग की ओर से कि बच्चों के माता पिता का आधार डाल सकते हैं, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में अभी इसका कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कि किसी भी बच्चे के माता या पिता का आधार कार्ड डाल के उनका वेरीफाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि अभी आप लोग किसी भी बच्चे के माता या पिता का आधार नंबर डाल के बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं कर सकती हैं, इसके लिए अलग से अभी अपडेट आना बाकी है। अगर इसका कोई नया अपडेट आता है तो हम अपने इस चैनल DK टेक्निकल ज्ञा के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कमेंट हमें प्राप्त हुए थे तो हमने सोचा कि आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए कि आप लोग अभी किसी भी बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो आप लोग वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा था आधार वेरीफाई करने वाला, वो ऑप्शन सभी बच्चों की कैटेगरी से हटा दिए गए हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी आधार वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे 0 से 6 माह वाले बच्चे की भी कैटेगरी आपको ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे भी जो आधार वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया गया था, देखिए कभी कभी आधार वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है और कभी कभी यहाँ पर हटा दिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, इसको अभी प्रोसेस में रखा गया है कि बच्चों का आधार कार्ड कैसे वेरीफाई किया जाए। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो हम आप सभी को इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है आप सभी को आज की इस छोटी वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी कि बच्चों का आधार कार्ड कैसे वेरीफाई करना है। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।